ओम शांति। यह संसार दुखों का संसार बन गया है। संसार में बहुत सारे दुख बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे इस संसार में अधिकतर लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और मैं समझती हूँ कि उनके दुखों के कारण में एक कारण उनकी बढ़ती हुई ईर्ष्या भी है। आज हम बात करेंगे ईर्ष्या के ऊपर। कहते हैं जीवन में हमेशा ही हमें आशा के दीप जलाने हैं, ईर्ष्या के नहीं। आशा के दीपक हमारे घर संसार में उजाला फैलाते हैं, और इसके विपरीत ईर्ष्या हमारे घर परिवार को तहस नहस कर देती है, हमारे घर में अज्ञान अंधियारा फैला देती है। कोई भी व्यक्ति अगर ईर्ष्या करता है तो यह उसकी कमजोरी को प्रदर्शित करता है। ईर्ष्या दुर्गुण है जो व्यक्ति की कमजोरी को प्रदर्शित करती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने जीवन को तहस नहस तो करता ही है, साथ साथ वह जिनके भी संपर्क में आता है वहां पर सिवाय तबाही के और कुछ नहीं मचाता है। ईर्ष्या व्यक्ति के जीवन में जहर घोल देती है। कहते हैं आप सबने भी सुना होगा कि ईर्ष्या एक अग्नि है, और जो व्यक्ति ईर्ष्या की अग्नि में जलता है वो स्वयं तो अपनी विशेषताओं को, अपनी प्रतिभाओं को, अपने कौशल को सर्वनाश करता ही है, साथ साथ दूसरे भी उससे हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। ईर्ष्या एक ऐसा दुर्गुण है जो मानव के जीवन की सारी खुशियों को छीन लेती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता है, और ना ही वो अपने जीवन में खुशी को महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है तो वह दूसरों के प्रेम और स्नेह से वंचित हो जाता है। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के अंदर आपने देखा होगा जो अनियंत्रित होकर ईर्ष्यालु हो जाते हैं, उनके जीवन में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। वे क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, गुस्सेल हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को परिवार या समाज स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार करते भी हैं, अगर मजबूरी से हम उनके साथ रहते भी हैं तो शायद उन्हें सबके दिल का प्यार प्राप्त नहीं होता है। और जब समाज और परिवार या दूसरे लोग उनसे दूरी बनाते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने आप में ईर्ष्या की बीमारी से तो ग्रसित होता ही है, साथ साथ अवसाद, टेंशन या डिप्रेशन ऐसी बीमारियों से भी घिर जाता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन से ये जो खतरनाक बीमारी है ईर्ष्या, इसको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वर्तमान समय लोग दूसरों के दुखों से बहुत दुखी हो जाते हैं। जब किसी पर दुख आता है तो लोग जाकर उनके दुखों को बांटते हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन आप देखिए, जब किसी पर सुख आता है, लोग दूसरों के सुखों से उतना सुख महसूस नहीं कर पाते हैं। विडंबना है कि वर्तमान समय लोग दूसरों के सुख से सुखी नहीं हैं, बल्कि लोग दूसरों के सुख से बेहद ही दुखी हैं। कई बार आप देखते हैं आपके आसपास ऐसे लोग आपको देखने में मिल जाएंगे, ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो दूसरों की तरक्की से, दूसरों की उन्नति से, उनके बढ़ते हुए करियर से या उनकी संपन्नता से चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। वे कभी भी उनको सुखी या खुश देख नहीं सकते हैं। कई बार तो हमारे आसपास ही ऐसे लोग होते हैं, और हम उनको कह भी देते हैं कि इन्हें हमारी खुशी या हमारे सुख शायद बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसकी पद पोजीशन बढ़ रही है, वो उन्नति के शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है, तो जरूर उसके अंदर
ऐसी कोई ना कोई विशेषताएं हैं, ऐसे गुण हैं जिनके आधार से वो उन्नति और तरक्की कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों से ईर्ष्या करने के बजाय हम उनके गुणों की ओर देखें, उनके गुणों पर नज़र डालें, उनकी विशेषताओं को देखें और ना सिर्फ देखें बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करें। जीवन में दूसरों की सफलता और तरक्की को देखकर हम उनसे कुछ सीखें और स्वयं भी लाभ लें। देखिए, ईर्ष्या बढ़ती कब है? जब हम किसी सुंदर और सफल व्यक्ति को देखते हैं, जब किसी ऊंचे पद पोजीशन वाले को देखते हैं, या जब हमसे ऊपर किसी संपन्न व्यक्ति को देखते हैं। आप सोचिए कि क्या इस दुनिया में हर एक व्यक्ति आपसे ऊंचा है, आपसे संपन्न है, आपसे ज़्यादा सुंदर है? नहीं। अगर आपको अपनी ईर्ष्या को मिटाना है, किसी के भी प्रति ईर्ष्या के भाव को सदा के लिए समाप्त करना है, तो सदा ही अपने से नीचे वालों को देखिए। आप देखिए, भगवान ने आपको कितनी संपन्नता दी है, एक स्वस्थ शरीर दिया है, एक सुंदर मन दिया है। अगर आप चाहें तो भगवान के प्रति हमेशा ही कृतज्ञ रह सकते हैं। आप हमेशा ही गॉड के प्रति और अपने परिवार वालों के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहिए। ईर्ष्या किसी से भी कभी भी मत रखिए। इस संसार में ईर्ष्या अपनी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। इस संसार में आज अधिकतर मानव आत्माओं के अंदर ईर्ष्या का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह पा रहे हैं। एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं कि एक शिव भक्त थे, भगवान शिव की बहुत पूजा अर्चना भक्ति करते थे। एक बार उनके मन में आया कि मैं भगवान की घोर तपस्या करता हूँ और भगवान से कुछ वरदान प्राप्त करता हूँ। उन्होंने इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ अपनी तपस्या प्रारंभ की, घोर तपस्या की, घोर तपस्या की। एक दिन प्रभु उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्त के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? भक्त सोचते हैं कि आज मैं भगवान से क्या मांगूं, बहुत सोचते रहे। इतने में ईश्वर ने कहा, क्या सोच रहे हो? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें आज वही दूंगा। जो भी तुम्हारी इच्छा है आज मैं उसे पूरी करूंगा। तुम जिस तरह का भी वरदान मुझसे लेना चाहते हो मैं तुम्हें वो वरदान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भगवान ने कहा, भक्त, मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि आज तुम मुझसे जो भी वरदान में मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। परंतु तुम्हारे पड़ोस में जो तुम्हारा पड़ोसी रहता है, अगर तुम एक मांगोगे तो उसे डबल मिलेगा। तुम जो भी वरदान मांगोगे, समझो तुम उससे एक सुंदर सा महल मांगते हो तो तुम्हारे पड़ोसी को दो महल मिलेंगे। अगर तुम उससे या कोई गाड़ी मांगते हो या धन दौलत मांगते हो तो तुम्हारे पड़ोसी को जस्ट उससे डबल मिलेगा। अभी आप सोच सकते हैं कि भक्त की क्या हालत हुई होगी। भक्त बेचारा सोच में पड़ गया कि आज मैं ईश्वर से क्या मांगूं? मैंने तपस्या की और मेरी तपस्या का डबल फल मेरे पड़ोसी को मिल रहा है। बड़े चिंतित हो गए भक्त महाराज। सोचते रहे, चिंता करते रहे कि मैं भगवान से ऐसा क्या वरदान लूं जिससे मेरे पड़ोसी को फायदा ना हो। बहुत सोच विचार के उसने भगवान से कहा, भगवान जी, आप मेरी एक आंख ले लो ताकि मेरे पड़ोसी की दोनों आंख चली जाए। बताइए ये क्या है? ये निश्चित रूप से ईर्ष्या का स्तर है। आज समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस ईर्ष्या नामक बीमारी से ग्रसित हैं। ईर्ष्या एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो हमारे घर परिवार से सुख, शांति, चैन, अमन को दूर कर देती है। आज हम
भरसक प्रयास करते हैं कि हमारे घर में सुख हो, हमारे घर में शांति हो, हमारे घर में प्रेम हो, तो क्यों ना थोड़ा सा प्रयास हम ये भी करें कि हम अपने मन से, अपने जीवन से ईर्ष्या नामक बीमारी को सदा के लिए समाप्त कर देंगे। कोई हमसे आगे बढ़ता है तो हम उसे भी शुभ भावना दें, कोई और तरक्की करता है उसको हम दिल से शुभ भावनाएं दें, और जितना हो सके सबके लिए अच्छे से अच्छा सोचते रहें, ईर्ष्या को ख़त्म करके अपने घर परिवार को सुखी और संपन्न बनाएं। ओम शांति।